अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट नेम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2, टॉपिक नेम इज़ इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, IAS-36। आई एम हेयर शुजा अली खान, यूनिट नंबर 3.1। फोकस टुडे इज़ अ डे ऑन IAS-36। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3.1, हम बात करेंगे IAS-36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। 3.2, IAS-36 इम्पेयरमेंट का बाकी हिस्सा हम डिस्कस करेंगे। 3.3 में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ IAS-36 और 3.4 में हम बात करेंगे फर्दर एप्लीकेशन ऑफ IAS-36। तो इस IAS को हम चार हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहले दो हिस्से जो होंगे वो IAS के ऊपर होंगे कि IAS क्या कहता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के बारे में, और आखिरी दो हिस्से जो होंगे वो एप्लीकेशन ऑफ IAS-36 पे होंगे, जिसमें हम क्वेश्चन, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड उसके सोल्यूशन को देखेंगे, यानी उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को हम गो थ्रू करेंगे। ओवरव्यू ऑफ प्रेजेंटेशन, स्कोप, आइडेंटिफाइंग एन एसेट दैट मे बी इम्पेयर्ड, कौन से एसेट है जिनको इम्पेयरमेंट के लिए हम देखेंगे, मेयरमेंट, मेयरिंग, रिकवरेबल अमाउंट के रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कैसे डिटर्मिन की जाएगी, रिकग्नाइजिंग एंड मेयरिंग एंड इम्पेयरमेंट लॉस के रिकग्नाइज कैसे करेंगे, उसकी मेयरमेंट कैसे करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस की, कैश जनरेटिंग यूनिट्स क्या होते हैं, गुडविल, कॉर्पोरेट एसेट की बात करेंगे और रिवर्सिंग एंड इम्पेयरमेंट लॉस की बात करेंगे। तो स्कोप की बात करेंगे, आइडेंटिफाइंग एंड एसेट की बात करेंगे दैट मे बी इम्पेयर्ड, मेयरिंग, रिकवरेबल अमाउंट की बात करेंगे, रिकग्नाइजिंग एंड मेयरिंग एंड इम्पेयरमेंट लॉस की बात करेंगे, CGU की बात करेंगे एंड गुडविल, कॉर्पोरेट एसेट्स, रिवर्सिंग एंड इम्पेयरमेंट लॉस की बात करेंगे। स्कोप में बात करेंगे कि ये कौन कौन से एसेट के ऊपर ये IAS एप्लीकेबल होगा और किन एसेट्स के ऊपर ये IAS एप्लीकेबल नहीं होगा। तो डज नॉट अप्लाई टू IAS-2 पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, IFRS-9 पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा, IAS-12 जो है इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, IAS-19 पे एप्लीकेबल नहीं होगा, IAS-11 पे एप्लीकेबल नहीं होगा, IAS-40, IAS-41, IFRS-4 एंड IFRS-5 पे ये एप्लीकेबल, ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। डज अप्लाई टू किन पे ये एप्लीकेबल होगा, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एज पर IAS-16, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट कॉस्ट IAS-40, इंटेंजिबल एसेट्स IAS-38, गुडविल IFRS-3, सब्सिडरीज, एसोसिएट, JV एट कॉस्ट IAS-27, 28, एसेट्स एट रीवैल्यूड अमाउंट IAS-16, IAS-38 पे एप्लीकेबल होगा। तो इन स्टैंडर्ड पे ये एप्लीकेबल होगा IAS-36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे हैं IAS-2, IFRS-4, इन पे ये एप्लीकेबल IAS-36 नहीं होगा। बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं कि व्हाट इज़ इम्पेयरमेंट लॉस, सडन डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, जब एसेट की वैल्यू सडन डिक्लाइन कर जाती है तो हम कहते हैं कि ये एसेट इम्पेयर हो गया। तो सडन डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, कैरिंग वैल्यू क्या होती है, CV जिसे कैरिंग वैल्यू कहते हैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर कॉस्ट में से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर दें तो हमारे पास उसकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी। रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी, रिकवरेबल अमाउंट इज द ग्रेटर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज जो है ये हमारी रिकवरेबल अमाउंट होगी, जो ग्रेटर होगी वो हमारी रिकवरेबल अमाउंट होगी। तो ये टर्मिनोलॉजी को देख लेंगे, आगे चल के यूज़ करनी है, इम्पेयरमेंट लॉस कैसे एग्जिस्ट करता है कि व्हेन कैरिंग वैल्यू इज़ ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, अगर कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट जो है वो ग्रेटर है रिकवरेबल अमाउंट से, जैसे कि रिकवरेबल अमाउंट हमने डिफाइन की ग्रेटर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल FVLCS और वैल्यू इन यूज VIU, जो वैल्यू ग्रेटर होगी उसको हम कंपेयर करेंगे अपने एसेट की कैरिंग वैल्यू से, इफ़ कैरिंग वैल्यू इज़ ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट इट मींस आवर एसेट इज़ गोइंग टू बी इम्पेयर्ड, तो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस एग्जिस्ट करता है। इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट क्या होंगी जो हमें देखनी पड़ेंगी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, क्या हमारा एसेट फिजिकली डैमेज तो नहीं है, क्या उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस डिक्लाइन तो नहीं हो रही, क्या एसेट जो है वो आइडल नहीं पड़ा हुआ, अगर ये इंडिकेशन एग्जिस्ट कर रही हैं तो फिर हमें इम्पेयरमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, हमें इम्पेयरमेंट रिव्यू करनी पड़ेगी।
एक्सटर्नल फैक्टर में मार्केट वैल्यू डिक्लाइन हो रही है क्या? देखना पड़ेगा। क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है आपके पास जिसकी वजह से एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है? हमें देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, अगर ये फैक्टर ये इंडिकेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर हम एसेट को रिव्यू करेंगे फॉर इम्पेयरमेंट, देखेंगे कि हमारा इम्पेयरमेंट लॉस है या इम्पेयरमेंट लॉस नहीं है। तो इंडिकेशन पे डिपेंड करता है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ IAS-36? कि ऑब्जेक्टिव ऑफ IAS-36 क्या है? बेसिक इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट इज टू मेक श्योर दैट एंटिटीज एसेट्स आर कैरीड एट नो मोर देन देयर रिकवरेबल अमाउंट। यानी कोई भी एंटिटी जो है वो अपने एसेट जो हैं मोर देन रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा शो नहीं कर सकती। अगर कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट से ज़्यादा है इट मीन्स कि आपको अपने एसेट को इम्पेयरमेंट करनी पड़ेगी, अपने एसेट्स की इम्पेयरमेंट करनी पड़ेगी, इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो बुक करना पड़ेगा। तो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है IAS-36 का कि कोई भी एंटिटी जो है, कोई भी कंपनी जो है वो अपने एसेट मोर देन रिकवरेबल अमाउंट बुक नहीं कर सकती, उसे रिड्यूस करना पड़ेगा उसकी रिकवरेबल अमाउंट के मुताबिक। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं किन IAS पे ये एप्लीकेबल है और किन IAS पे ये एप्लीकेबल नहीं है, ये IAS-36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। ब्रीफ हिस्ट्री की इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट की के एसेट्स टू बी रिव्यूड, या तो वो इंडिविजुअल एसेट हो सकते हैं, रिव्यू करेंगे आप इम्पेयरमेंट के लिए कि हर एसेट को देखेंगे अगर कोई एसेट इम्पेयर हो रहा है, या उसका CGU देखेंगे, कैश जनरेटिंग यूनिट्स। CGU स्टैंड फॉर कैश जनरेटिंग यूनिट्स। द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट्स दैट जनरेट्स कैश फ्लोज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ कैश इनफ्लोज फ्रॉम अदर एसेट्स और ग्रुप ऑफ एसेट्स। स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट को देखेंगे, उसका CGU बनाएंगे और फिर कंपेयर करेंगे उसकी रिकवरेबल अमाउंट से और देखेंगे कि हमारे एसेट इम्पेयर हो रहे हैं या नहीं। इम्पेयरमेंट कब एग्जिस्ट करेगी? कैरिंग अमाउंट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट इज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वेयर एज रिकवरेबल अमाउंट इज अ हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। हमें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल देखनी पड़ेगी या वैल्यू इन यूज़ को देखना पड़ेगा, उनमें से जो वैल्यू हायर होगी वो हमारी रिकवरेबल अमाउंट बनेगी। और अगर कैरिंग वैल्यू ग्रेटर है रिकवरेबल अमाउंट से, कि एक एसेट है फर्ज करें उसकी कैरिंग वैल्यू 1200 है, उसकी रिकवरेबल अमाउंट जो है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वो 1000 है, 1000 है, इट मीन्स 200 का हम इम्पेयरमेंट लॉस बुक करेंगे। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अमाउंट ऑब्टेनेबल इन आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, वेयर एज वैल्यू इन यूज इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लोज डिस्काउंटेड एट प्री टैक्स रेट। डिस्काउंटेड एट प्री टैक्स रेट। अगर फेयर वैल्यू के बारे में आपने देखना है इन डिटेल तो इसका पैराग्राफ नंबर है 25 से लेकर 28 तक, जिसमें IAS-36 बात करता है कि फेयर वैल्यू क्या है और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या है। क्योंकि टर्मिनोलॉजी में हमने देखा था कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज, दो बातें की थी हमने कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैसे कैलकुलेट की जाएगी, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा पैराग्राफ नंबर 25 to 28। IFRS का, IAS का, 36 का हमें ये पैराग्राफ देखना पड़ेगा। ब्रीफ इसका डिटेल दी हुई है कि फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू हो सकती है, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट की प्राइस हो सकती है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में हम बात करेंगे इंक्रीमेंटल कॉस्ट एट्रिब्यूटेबल टू डिस्पोजल ऑफ एसेट, कि जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी डायरेक्टली इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो होगी वो कॉस्ट ऑफ आपकी कॉस्ट टू सेल होगी, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे हम कहेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। वैल्यू इन यूज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज इनफ्लोज बाय यूजिंग दैट एसेट, उस एसेट को यूज करने की वजह से जो कैश इनफ्लो जनरेट हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू बाय अप्लाइंग द प्री टैक्स डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट आपने लेना है प्री टैक्स, इसके लिए हम पैराग्राफ दे सकते हैं पैराग्राफ नंबर 55। वैल्यू इन यूज की कैलकुलेशन के लिए जो पैराग्राफ है वो है IAS
36 के मुताबिक पैराग्राफ नंबर 32 ऑनवर्ड। तो हमें दो चीज़ें देखनी है, एक देखना है रिकवरेबल अमाउंट क्या है और एक देखना है एसेट की कैरिंग वैल्यू क्या है। व्हेन टू टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट, टेस्ट आप कब करेंगे इम्पेयरमेंट का, टेस्ट कब रन करेंगे, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इंटरनल इंडिकेशंस एंड एक्सटर्नल इंडिकेशन। इंटरनल इंडिकेशन में अगर कोई एसेट फिजिकली डैमेज हो रहा है, अगर उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है, या वो एसेट आप यूज़ नहीं कर रहे, आइडल पड़ा हुआ है, फजूल पड़ा हुआ है, अनयूज पड़ा हुआ है, या फिर उस एसेट की कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, उसको आप यूज़ नहीं कर रहे इंटरनली, तो इंडिकेशन एग्जिस्ट करेगी कि आपको इम्पेयरमेंट टेस्ट रन करना चाहिए। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स जो होंगे उसमें मे बी एसेट की मार्केट वैल्यू डिक्लाइन की तरफ चली गई है, या चेंजेस इन टेक्नोलॉजिकल मार्केट इकोनॉमिक और लीगल एनवायरनमेंट चेंज हो गई है, चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट हो गया है और लो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई है। अगर इंडिकेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप टेस्ट रन करेंगे फॉर इम्पेयरमेंट, आप एग्जिस्ट करने चाहिए। इंडिकेशंस हैं, इंडिकेटर्स हैं, तो आप इम्पेयरमेंट का टेस्ट रन करेंगे। लेकिन IAS-36 जो है वो एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट की बात करता है, इसके लिए इंडिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। उसमें तीन तरह के एसेट हैं जिसके ऊपर वो बात करता है IAS-36। नंबर वन गुडविल, नंबर टू इनटेंजिबल एसेट हैविंग अ इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ, और इनटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज़। इन तीन एसेट्स के लिए इंडिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। इनको आपने हर साल, अगर ये एसेट आपके पास हैं, तो इनको आपने एनुअल इम्पेयरमेंट टेस्ट करना ही है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द एसेट्स हैं, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीन, और जो भी स्कोप में हमने डिस्कस किया, उनके लिए इंडिकेशंस का होना ज़रूरी है। वो इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी हो सकती है। व्हेन टू रिवर्स इम्पेयरमेंट, रिवर्स कब करेंगे, जब इंडिकेशंस रिवर्स हो जाएंगी। अगर फ्यूचर में इंडिकेशन रिवर्स हो जाती हैं तो हमें रिवर्सल करना पड़ेगा इम्पेयरमेंट का। इंडिविजुअल एसेट अगर रिवर्स हो जाता है तो रिकग्नाइज इन प्रॉफिट लॉस अनलेस एसेट कैरियड एट रिवैल्यूड अमाउंट। CGU में अगर रिवर्सल होता है तो एलोकेटेड टू एसेट ऑफ CGU ऑन प्रोरेटा बेसिस रिवर्स करेंगे। IAS-36 जो है वो गुडविल के बारे में कहता है कि इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल इज़ नेवर रिवर्स्ड, गुडविल का रिवर्सल नहीं डलेगा। बाकी जो रिवर्सल होगा वो इंडिविजुअल एसेट का हो सकता है, अगर सिंगल एसेट की बात कर रहे हैं आप, या ग्रुप ऑफ एसेट की बात कर रहे हैं विद रेफरेंस टू CGU की बात कर रहे हैं या फिर इंडिविजुअल एसेट की बात कर रहे हैं। द स्टैंडर्ड ऑल्सो डिफाइंस व्हेन एन एसेट इज इम्पेयर्ड, कब एसेट इम्पेयर किया जाएगा, हाउ टू रिकग्नाइज एन इम्पेयरमेंट लॉस, कैसे हम उसका इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो रिकग्नाइज करेंगे, व्हेन एन एंट्री शुड रिवर्स, कब रिवर्सल करेंगे ऑफ दिस लॉस, एंड व्हाट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इम्पेयरमेंट शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो चार बातें आपके पास हैं। नंबर वन व्हेन, इसका तो जवाब यही बनेगा जब इंडिकेशंस होंगी। अभी जो हमने इंडिकेशंस डिस्कस की इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अगर वो इंडिकेशन होंगी तो फिर हम उसको इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट रन करेंगे। हाउ टू रिकग्नाइज एन इम्पेयरमेंट लॉस, उसकी एलोकेशन कैसे करेंगे, व्हेन एन एंट्री शुड रिवर्स दिस लॉस, रिवर्सल कब होगी, और किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो विद रेफरेंस टू इम्पेयरमेंट शुड बी डिस्क्लोज। आर सडन डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, आर सडन डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एक एसेट की वैल्यू में जब सडन डिक्लाइन आएगी तो उसे हम कहते हैं कि हमारा एसेट इज गोइंग टू बी इम्पेयर्ड, कि हमारा एसेट जो है इम्पेयर हो गया है। डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट में क्या डिफरेंस है, डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। डेप्रिसिएशन इज अ सिस्टमैटिक एलोकेशन है, जबकि इम्पेयरमेंट है, जो इम्पेयरमेंट है इज अ सडन डिक्लाइन, एसेट डैमेज हो गया किसी एक्सीडेंट की वजह से, फायर की वजह से मार्केट वैल्यू डिक्लाइन हो गई, तो वो एसेट की इम्पेयरमेंट होगी, वो डेप्रिसिएशन नहीं होगी। डेप्रिसिएशन जो है वो सिस्टमैटिक एलोकेशन है बाई यूजिंग द मैथड स्ट्रेट लाइन WDV यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, जैसे कि हमने FR1 के कोर्स में पढ़ा था, IAS-16 में पढ़ा था,
तो डेप्रिसिएशन इज समथिंग एल्स, इम्पेयरमेंट इज समथिंग एल्स. इम्पेयरमेंट इज अ सडन डिक्लाइन एंड दैट डिक्लाइन मे बी ड्यू टू इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर एज पर पैराग्राफ नंबर 12 IAS-36. के फैक्टर्स इंडिकेटर्स जो हैं उनकी वजह से जो डिक्लाइन आई है उसे हम इम्पेयरमेंट कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट हमें कैरिंग वैल्यू को देखना पड़ेगा और रिकवरेबल अमाउंट को देखना पड़ेगा ऑफ दैट एसेट और द ग्रुप ऑफ एसेट. अगर हम CGU की बात कर रहे हैं, कैश जनरेटिंग यूनिट्स की बात कर रहे हैं, हाउ यानी कि एलोकेशन. अब इम्पेयरमेंट तो हमने कैलकुलेट कर ली, अब उसकी एलोकेशन कैसे करेंगे. अगर सिंगल एसेट नहीं है, अगर हम बात CGU की कर रहे हैं, कैश जनरेटिंग यूनिट की कर रहे हैं, तो जो इम्पेयरमेंट लॉस हमने कैलकुलेट किया है एसेट के ऊपर या ग्रुप ऑफ एसेट के ऊपर, उसके ऊपर एलोकेशन कैसे करेंगे. तो IAS कहता है सबसे पहले गुडविल को एलोकेट करेंगे दैट लॉस, और फिर हम एलोकेट करेंगे प्रोडाटा बेसिस ऑफ रिमेनिंग एसेट. प्रोडाटा बेसिस ऑफ रिमेनिंग एसेट का मतलब लिया जा रहा है कैरिंग वैल्यू की रेशो, जो एक रेशो होगी उन एसेट की, उस रेशो की बेस के ऊपर हम उस लॉस को एलोकेट करेंगे. तो सबसे पहले गुडविल को एलोकेट करेंगे और उसके बाद प्रोडाटा बेसिस को एलोकेट करेंगे. लेकिन जब हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं इस पैराग्राफ नंबर 104 पे दिया हुआ, मेरा ख्याल IAS-36 पे देख लीजिएगा, तो इसकी इंटरप्रिटेशन हम इस तरह लेते हैं कि सबसे पहले जो स्पेसिफिक एसेट है, डैमेज एसेट है, पहले हम वो इम्पेयरमेंट लॉस उसको एलोकेट करेंगे, फिर गुडविल को, और फिर जो रेस्ट ऑफ द लॉस होगा ऑन अकाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट वो हम प्रोडाटा बेसिस पे रिमेनिंग एसेट को चार्ज करेंगे. लेकिन कितना चार्ज करेंगे, बट इसलिए हम कहते हैं बट नॉट लोअर देन फेयर वैल्यू, वैल्यू न्यूज और ज़ीरो. यानी किसी को इतना एलोकेट नहीं कर देंगे कि वो फेयर वैल्यू से भी उसकी वैल्यू कम हो जाए एलोकेशन करने के बाद. यानी एक अगर एसेट है उसकी फेयर वैल्यू जो है एलोकेशन के बाद 1200 आती है या 1500 आती है, लेकिन आपने एलोकेशन ज़्यादा कर दिया जिससे उसकी वैल्यू जो है वो 900 बन जाती है, तो IAS इस चीज़ को मना करता है. हम किसी एसेट को उतना ही इम्पेयर करेंगे कि इम्पेयरमेंट करने के बाद उसकी जो वैल्यू है, वो जो वैल्यू आए वो फेयर वैल्यू से जो है गिरनी नहीं चाहिए, मतलब उससे कम ना हो जाए. इतना ज़्यादा हमने उसे एलोकेट नहीं कर देना. तो इस चीज़ का ख्याल रखना है डियर स्टूडेंट कि जब भी हम एलोकेशन करें तो किसी को ज़्यादा एलोकेशन ना कर जाएं जिसकी वजह से उसकी जो वैल्यू है वो फेयर वैल्यू से कम पे चली जाए. तो फेयर वैल्यू तक या VIU या ज़ीरो, जो भी वैल्यू गिवन है, हाईएस्ट ऑफ ऑल दीज थ्री, उसमें हमें देखना पड़ेगा जब भी हमने एलोकेशन की तरफ जाना है. वैन का हमने बात की थी कि वैन टू रिवर्स इम्पेयरमेंट, कि इम्पेयरमेंट को रिवर्स कब किया जाएगा. तो देखना पड़ेगा कि इंटरनल इंडिकेटर्स और एक्सटर्नल इंडिकेटर्स रिवर्स में तो नहीं चले गए. अगर वो रिवर्स में चले गए हैं तो हमने जो एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस बुक किया हुआ है उसे हमें रिवर्स करना पड़ेगा. अगर देखना पड़ेगा अगर इंडिविजुअल एसेट है तो हम रिकग्नाइज करेंगे उसकी रिवर्सल प्रॉफिट लॉस में, अनलेस के एसेट कैरिड एट रिवैल्यूड अमाउंट. अगर CGU है तो उसको एलोकेट करेंगे टू द एसेट ऑफ द CGU ऑन अ प्रोरेटा बेसिस. गुडविल की जो इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल है इज नेवर रिवर्स. एक दफ़ा गुडविल आपने राइट ऑफ कर दी, इम्पेयर कर दी, तो दोबारा उसकी रिवर्सल नहीं करेंगे. तो व्हाट, व्हेन, हाउ और व्हेन के रिवर्स कब करेंगे इसका हमने देखा. इंडिकेशन में बात करते हैं कि इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इंटरनल देखनी पड़ेंगी और एक्सटर्नल देखनी पड़ेंगी कि आया कि हमने जो है इम्पेयरमेंट टेस्ट रन करना है या टेस्ट रन नहीं करना. कि फिजिकल डैमेज ऑफ एसेट अगर इंडिकेशन है, एसेट बिकम आइडल हो गया है या उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है डिक्लाइन हो गई है, तो फिर हम एसेट को टेस्ट करेंगे फॉर इम्पेयरमेंट के लिए कि हमारे ये एसेट इम्पेयरमेंट हुए हैं या ये एसेट इम्पेयर नहीं. एक्सटर्नल में एसेट की मार्केट वैल्यू डिक्लाइन हो जाए, सिग्निफिकेंट चेंजेस विद एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द एंटिटी इन द टेक्नोलॉजिकल मार्केट, इकोनॉमिक और लीगल इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, या मार्केट इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए, या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट ऑफ द एंटिटी इज हायर देन इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाए, तो वो भी इंडिकेशन है इम्पेयरमेंट की. नो इंडिकेशन फॉर फॉलोइंग एसेट, गुडविल के लिए इंडिकेशन की ज़रूरत नहीं है.
intangible asset having indefinite useful life ke liye indications ki zarurat nahi hai, intangible asset not yet ready for use ke liye indication ki zarurat nahi hai. Recoverable amount is the higher of an asset or cash generating unit. Agar to hum individual asset ki baat kar rahe hain to uski recoverable amount is the higher of an asset. और अगर हम CGU की बात कर रहे हैं और cash generating unit fair value less cost of disposal, जिसे हम कहते हैं कि fair value less cost of disposal and value in use VIU, जो value greater होगी वो हमारी recoverable amount होगी. So the recoverable amount is the higher of asset, एक asset या CGU या group of asset cash generating unit, जो higher होगी वो हमारी recoverable amount होगी. Cash generating unit क्या होता है? When an individual asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other asset or group of asset, then you need to determine the recoverable amount for cash generating unit to which this asset belongs. यानी फिर आप CGU को देखेंगे जो के group of asset, the smallest identifiable group of asset जो होगा वो हमारा CGU बन जाएगा. फिर हम इंडिविजुअल एसेट की इंपेयरमेंट को नहीं देखेंगे. फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, पैराग्राफ नंबर 25-28 फ्रॉम आईएफआरएस. फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू, कॉस्ट टू सेल का मतलब डायरेक्टली इंक्रीमेंटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल. इसकी एग्जांपल भी दी हुई है पैराग्राफ नंबर 28 IAS-36 पे कि कौन कौन सी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में हम बात करेंगे. लीगल कॉस्ट की बात करेंगे, स्टैम्प ड्यूटी की बात करेंगे, सिमिलर ट्रांजेक्शन टैक्सेस की बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द एसेट एंड डायरेक्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट टू ब्रिंग एन एसेट इनटू कंडीशन फॉर इट्स सेल. तो जो डायरेक्टली इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी फॉर द डिस्पोजल ऑफ दैट एसेट वो हमारा कॉस्ट टू सेल होगा, और फेयर वैल्यू जो होगी वो मार्केट वैल्यू होगी. लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. इसकी डिटेल दी है कि फेयर वैल्यू क्या है. फेयर वैल्यू नॉर्मली द मार्केट वैल्यू इफ नो एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट. आईएस कहता है कि अगर एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर जो होगा वो आपकी वैल्यू जो होगी सिमिलर ट्रांजेक्शन की, या वो देखनी पड़ेगी अगर कोई उसके अलावा ट्रांजेक्शन किसी और जगह पे उस एसेट के बारे में हो रही है. डायरेक्टली सेलिंग कॉस्ट में जैसे कि हमने अभी बात की कि लीगल ड्यूटी भी हो सकती है, प्लस स्टैम्प ड्यूटी हो सकती है, प्लस डिसमेंटलिंग कॉस्ट इफ़ नॉट रिकगनाइज एज पर IAS-16 PPE. अगर वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट अगर आप IAS-16 के मुताबिक, जैसे कि हमने FR1 के कोर्स में पढ़ा था कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो है वो पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट बनता है एज पर IAS-16, लेकिन अगर आपने डिसमेंटलिंग कॉस्ट वहाँ ऐड नहीं की तो फिर आप यहाँ इसको एज ए डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट ले सकते हैं. प्लस टैक्स पेड जो आपने किए हैं, प्लस कॉस्ट जो इनकर की है, नेसेसिटी टू ब्रिंग द एसेट इनटू कंडीशन टू बी सोल्ड, ये सारी कॉस्ट जो होगी ये आपकी डायरेक्टली सेलिंग कॉस्ट होगी, जो कि फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जब हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो हमें लेस करना पड़ेगा. लेकिन डियर स्टूडेंट यहाँ एक बात याद रहे कि रिडंडेंसी कॉस्ट जो होगी लेबर लेड ऑफ करने की, लेबर को लेड ऑफ करने की जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट जो होगी वो डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट में का पार्ट नहीं होगी. वैल्यू इन यूज़ की बात कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एक्सपेक्टेड टू बी डिराइव फ्रॉम एन एसेट और द कैश जनरेटिंग यूनिट, कि अगर मैं एसेट को सेल नहीं करता बल्कि मैं अगर एसेट को यूज़ करता हूँ तो उसको यूज़ करने से जो मुझे कैश फ्लो जनरेट होंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू, और उसको मैं डिस्काउंट करूँगा प्री टैक्स डिस्काउंट रेट एज पर IAS-36 पैराग्राफ नंबर 55. तो 55 पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो डिस्काउंट रेट आपने यूज़ करना है वो प्री टैक्स डिस्काउंट रेट यूज़ करना है. वैल्यू यूज़ की जो कैश फ्लोज होंगे उसमें कौन से कैश फ्लो हम VIU में ऐड करेंगे और कौन से कैश फ्लो हम अकाउंट फॉर. वैल्यू यूज़ में हम कैश फ्लो फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज़ ऑफ द एसेट, जो एसेट मैं यूज़ कर रहा हूँ उससे जो कैश फ्लो इनफ्लो जनरेट हो रहा है वो मैं ले सकता हूँ. जो कैश आउटफ्लो मेरा इनकर हो रहा है उन रेवेन्यूज़ को, उन कैश फ्लोज़ को जनरेट करने में वो मैं लेस कर सकता हूँ. और उसके अलावा जो नेट डिस्पोजल प्रोसीड एट द एंड ऑफ द एसेट यूजफुल लाइफ जो आएगी वो भी मैं लेस या ऐड कर सकता हूँ. नेट डिस्पोजल प्रोसीड की बात कर रहे हैं कि एसेट को डिस्पोज ऑफ करने से जो मुझे सेल प्रोसीड आएगी उसको मैं ऐड कर सकता हूँ.
कौन सी कॉस्ट VIU में शामिल नहीं होगी, यानी कौन से कैश फ्लोज, स्ट्रीम्स, वैल्यू इन यूज़ की कैलकुलेशन में शामिल नहीं होगी। नंबर वन, कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से अगर पैसा आ रहा है या जा रहा है वो शामिल नहीं होगा इस कैश फ्लो स्ट्रीम के अंदर। इनकम टैक्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स, अगर आप कोई रिसीट्स कर रहे हैं, इनकम टैक्स की रिसीट्स कर रहे हैं या पेमेंट्स कर रहे हैं वो शामिल नहीं होंगी। कैश फ्लो फ्रॉम फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग टू विच एन एंटिटी इज़ नॉट येट कमिटेड वो शामिल नहीं होंगी। कैश फ्लो इम्प्रूविंग इन्हेंसिंग द एसेट परफॉर्मेंस, अगर कोई कैश फ्लो उसको इम्प्रूव करने या इन्हेंस करने के लिए इनकर की जा रही है वो शामिल नहीं होगी। कैश आउटफ्लो दैट हैव ऑलरेडी बीन रिकग्नाइज एज अ लाइबिलिटी, जो कैश आउटफ्लो आप रिकग्नाइज कर चुके हैं एज अ लाइबिलिटी वो शामिल नहीं होगी वैल्यू इन यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए। फ्यूचर कैश फ्लोज क्या होंगे और डिस्काउंटिंग रेट कौन सा यूज़ करेंगे, ईयर 1 to 5 एग्जांपल दी फ्यूचर कैश फ्लोज की। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 10% के ऊपर हम इसको डिस्काउंट करना चाह रहे हैं। हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी कैश फ्लोज की वो आएगी 9031। तो डिस्काउंट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप फार्मूला यूज़ करते हैं 1/1 r^2 एंड आप डिस्काउंटिंग फैक्टर से 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर से कैलकुलेट करके फ्यूचर कैश फ्लोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। IFRS डायग्राम, अगर तो रिकवरेबल अमाउंट, इफ रिकवरेबल अमाउंट इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू यस नो इम्पेयरमेंट, नो इम्पेयरमेंट करेंगे, रिवर्सल करेंगे अगर फ्यूचर में सर्कमस्टांसिस चेंज होते हैं। स्लाइड नंबर 28, रिकग्नाइजिंग एंड मेयरिंग एन इम्पेयरमेंट लॉस, कैसे रिकग्नाइज करेंगे, कैसे उसकी मेयरमेंट करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस की। एन इम्पेयरमेंट लॉस शैल बी रिकग्नाइज इमिजिएटली इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अगर इम्पेयरमेंट लॉस एग्जिस्ट करता है तो आप उसे इमिजिएटली प्रॉफिट लॉस में रिकग्नाइज करेंगे। अगर अनलेस द एसेट इज कैरिड एट रीवैल्यूड अमाउंट, अगर एसेट रीवैल्यूड पे बुक हुआ हुआ है तो इन अकॉर्डेंस विद द अनदर स्टैंडर्ड एनी इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ अ रीवैल्यूड एसेट शैल बी ट्रीटेड एज अ रीवैल्यूएशन डिक्रीज इन अकॉर्डेंस विद दैट अदर स्टैंडर्ड। जैसे IAS-16 की बात करते थे, FR1 में हमने IAS-16 के ऊपर बात की कि एसेट को कैसे हम रीवैल्यू करेंगे। अगर हम रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो पहले रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, चार्ज करेंगे, रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट शैल बी चार्ज टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो पहले केस में अगर कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं, अगर कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो इमिजिएटली प्रॉफिट लॉस को चार्ज करेंगे। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे हैं एंड इन प्रीवियस ईयर आपने रीवैल्यूएशन अवॉइड की थी तो पहले रीवैल्यूएशन से चार्ज करेंगे दैट इम्पेयरमेंट लॉस एंड रेस्ट ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस शैल बी चार्ज टू प्रॉफिट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस डायग्राम देख रहे हैं, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, देखना पड़ेगा कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं या रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे हैं। द सेम थिंग, कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे हैं और डेबिट करेंगे प्रॉफिट लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट करेंगे एसेट को। रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करेंगे एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट शुड बी चार्ज टू प्रॉफिट लॉस ऑन अकाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस एंड क्रेडिट इज टू बी गिवन एसेट को। एसेट को क्रेडिट किया जाएगा और रिवैल्यूएशन सरप्लस को और प्रॉफिट लॉस को डेबिट किया जाएगा। अपकमिंग इन्फॉर्मेशन सेशन में हम देखेंगे कि एलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस सिंगल एसेट की कैसे करेंगे, एलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ CGU की कैसे करेंगे, देन रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ सिंगल एसेट को कैसे करेंगे, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ CGU कैसे करेंगे और एलोकेशन ऑफ कॉर्पोरेट एसेट की ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी। तो एलोकेशन को देखेंगे इम्पेयरमेंट लॉस की प्लस उसकी रिवर्सल को देखेंगे और सिंगल एसेट के बारे में और CGU के बारे में प्लस कॉर्पोरेट एसेट के ऊपर हम बात करेंगे, उसकी एलोकेशन की बात करेंगे। रेफरेंस पैराग्राफ जो आपने पढ़ने हैं IAS-36 के IFRS में से, अगर आप पढ़ना चाहें इन डिटेल, देखना चाहें पैराग्राफ्स को, तो पैराग्राफ की लिस्ट दी हुई है, इनको गो थ्रू कीजिएगा और इनको देखिएगा। पैराग्राफ नंबर 6, पैराग्राफ नंबर 12, पैराग्राफ नंबर 25 to 28 वैल्यू इन यूज़ को अगर आपने इन डिटेल में देखना है। पैराग्राफ नंबर 30 डिस्काउंट प्री डिस्काउंट रेट के बारे में अगर आपने देखना है तो पैराग्राफ नंबर 55। CGU के बारे में अगर आपने देखना है इन डिटेल तो पैराग्राफ नंबर 65। कॉर्पोरेट एसेट की एलोकेशन, इसके बारे में अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो पैराग्राफ नंबर 100 से लेकर 102 तक देख लीजिएगा। पैराग्राफ नंबर 104 to 105 एलोकेशन
ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस कैसे किया जाएगा, 109 पैराग्राफ नंबर, 117 पैराग्राफ नंबर, 119 पैराग्राफ नंबर, 122 एंड द लास्ट वन इज 124 पैराग्राफ को आप गो थ्रू कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम इसकी IAS-36 में मज़ीद बात करेंगे और फिर उसकी एप्लीकेशन पे हम बात करेंगे आने वाले दिनों में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।